स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज मैं बफेलोस के पास आया हूँ और बफेलोस को देखते देखते इनके एंसेस्टर के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। जो डोमेस्टिक बफेलोस है, आज जो जितनी भी ब्रीड्स मौजूद है बफेलोस की भारत में, इनका जो ओरिजिन है, अगर इनकी बात करें तो एशिया में ही इनका ओरिजिन है सारे बफेलोस का जो दुनिया में पाई जाती है, और उसमें भी इंडिया मेन ओरिजिन सेंटर है। आज के समय जो असम के जंगलों में, जैसे मानस है और काजीरंगा, वहाँ पर एक स्पीसीज पाई जाती है वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो, जिसका साइंटिफिक नाम है बुबालूस आर्नी। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है आज के समय, और ये एंसेस्टर है हमारे डोमेस्टिक बफेलो जो कि आप देख रहे हो उनकी, जिसका साइंटिफिक नाम है बुबालूस बुबालिस। ये प्यारी बफेलो, ये जो देखिए ये काफ है। आज मैं एंसेस्टर के बारे में बात करूँगा, वाटर बफेलोज के बारे में, और थोड़े टर्म्स जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि गौर और बफेलो के बीच में भी कंफ्यूजन होती है, दोनों बड़े बल्कि क्रीचर्स हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों ही इंडिया में पाए जाते हैं। वाइल्ड या वाटर बफेलो जो है वो ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी कि दुनिया से ख़त्म होने के कगार पर है। गौर जो है एक काओ फैमिली की मेंबर है, बफेलोस जो है वो बफेलो फैमिली के मेंबर है। बहुत हॉट टेम्पर्ड होते हैं और चार्ज भी करते हैं लोगों पर और हमला भी करते हैं। मैं गौर की बात कर रहा हूँ। गौर या वाइल्ड बफेलोस जो है ये बोविडे फैमिली के अंदर ही आते हैं, और लार्जेस्ट, बहुत हैवी बिल्ट होता है इन एनिमल्स का। गौर तो वेल प्रोटेक्टेड है, लेकिन वाइल्ड बफेलो जो है काफ़ी ज़्यादा निगलेक्टेड रहे हैं, और आज के समय उनको अटेंशन की ज़रूरत है। हमारे पास ग्रेट हैबिटेट्स आज भी मौजूद है काजीरंगा, मानस, असम के जंगलों में, अरुणाचल में, लेकिन आज इनको प्रोटेक्शन की सख्त आवश्यकता है। इंडियन वाइल्ड बफेलो जो है, जो वाटर बफेलो है, एक बहुत मैसिव बोवाइन है, और टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 4000 के करीब है, जिसमें ज़्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एंसेस्टर है सारे ही डोमेस्टिक बफेलो के, और इंटरब्रीडिंग जो होती है डोमेस्टिक एनिमल्स में, उससे क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिप्लीशन होता है वाइल्ड जीन पूल का इन हिस्टोरिक मैमल का। काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं बफेलोस पे, मैं वीडियो बना चुका हूँ जो हम तबेले में गए थे, वो तो वो भी आप चेकआउट कीजिए, उसमें भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है बफेलोस के बारे में। और बहुत ज़्यादा बफेलोस जो है बहुत स्वीट और बहुत ज़्यादा प्यारे जानवर होते हैं, ख़ास तौर पर जो इनके बछड़े होते हैं काफ है, बहुत ज़्यादा क्यूट एडोरेबल होते हैं और बहुत शांत होते हैं। काफ़ी सारे ब्रीड्स हैं, जैसे मुर्रा, गिर बफेलो है, मेहसाणा, सूरती, बन्नी, और भी कई सारी स्पीसीज, कई सारी ब्रीड्स है बफेलो की। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, जो मैच्योर फीमेल होती है, मैच्योर फीमेल सारे ही कैटल्स में, इनको काव बोला जाता है, तो फीमेल बफेलो को भी काव ही कहा जाता है। मैच्योर मेल को बुल कहा जाता है सारे कैटल में, यंग फीमेल कैटल जो होती है उसको हीफर्स कहा जाता है, यंग मेल कैटल को ऑक्सन या बुलक कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। कैटल तो सारे ही वो डोमेस्टिकेटेड बोवाइन एनिमल्स को कहा जाता है, जिसमें गाय भैंस सारी आती है, जिनको हम रेस करते हैं मिल्क और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। काव फीमेल बोवाइन को कहा जाता है, और बुल मैच्योर मेल बोवाइन को कहा जाता है। काफ यानी कि जो यंग बोवाइन एनिमल है उसको काफ कहा जाता है, और काव से जन्म होता है काफ्स का। बोवाइन एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है सारे एनिमल्स को जो बिलोंग करता है बोविडे फैमिली को, जिसमें कैटल, बफेलो, बाइसन, गौर, ये सारे आ जाते हैं। रूरल इंडिया में आज भी गाय भैंसों को पालना बहुत कॉमन होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लाइवलीहुड इन पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए इनका खास ध्यान भी रखा जाता है।
और घर के सदस्य की तरह इनको रखा जाता था। पहले के समय में भारत में गाय भैंस होना बहुत प्रेस्टीजियस माना जाता था, बहुत लकी माना जाता था और आवश्यकता होती थी। रूरल कम्युनिटीज़ में कैटल एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमको इनसे मिलते हैं, लोगों की लाइवलीहुड डिपेंडेंट है। बफेलोज जो है उनकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के लिए जानी जाती है। इनका दूध भी अगर हम पीते हैं तो फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा कैलोरीज होती है। और यहाँ पर आकर गाय भैंसों के साथ टाइम स्पेंड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा अडोरेबल होते हैं ये काफ स्पेशल। देखिए अभी इसके दांत आए हैं और खाना इसने शुरू कर दिया। अभी इसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है खाना, फिर ये घास खाएगा। हमेशा बछड़े को माँ के आसपास ही रखा जाता है।